हरिद्वार में सभी स्कूल बंद रहेंगे। डीएम विनय शंकर पांडे ने जारी किए निर्देश, 20 से 26 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। कांवड़ मेले के चलते ये फैसला हुआ है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डीएम विनय शंकर पांडे ने निर्देश जारी किया है, स्कूल बंद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश का अलर्ट भी है। अब इसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कांवड़िए जो है वो यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और कांवड़ मेले के चलते ही ये फैसला लिया गया है। स्कूल बंद रहेंगे 20 तारीख से 26 तारीख तक। हरिद्वार में सभी स्कूल बंद रहने के आदेश जारी किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो डीएम विनय शंकर पांडे ने ये निर्देश जारी किए हैं, 20 से 26 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, और कांवड़ मेले के चलते ये निर्णय लिया गया है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे हरिद्वार से संवाददाता सुमित यश कल्याण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, एक तरह से देखा जाए तो कांवड़ यात्रा होनी है, तो स्कूल क्यों बंद रहेंगे, क्या कुछ प्रभाव इसके देखने को मिलेंगे? दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? जी, आपको बिल्कुल बता दें कि इस तरह से 2 साल बाद ये कांवड़ यात्रा हो रही है, तो हरिद्वार में भारी भीड़ आने की आशंका है, जिसको देखते हुए स्कूली बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए 20 तारीख से 26 तारीख तक हरिद्वार डीएम ने इसको सभी शिक्षण संस्थान स्कूल वगैरह बंद करने के लिए आदेश दिए हैं। जी, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं, तो तैयारियां किस तरह की नजर आ रही है सुमित वहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये 2 साल बाद ये कांवड़ हुई है, उसको देखते हुए भारी भीड़ यहाँ पहुंचने की ये देखते हुए साथ ही साथ पुलिस को ने चप्पे चप्पर पर जिस तरह से ये यहाँ पे आशंका हो रही है किसी भी आतंकी हमले की, उसको देखते हुए चप्पे चप्पे में पुलिस मौजूद है। हर तरफ सिक्योरिटी की जा रही है, जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और लगातार इस तरह से पूरे उसमें किसी भी तरह की व्यवस्था को बाधित नहीं हो इसकी कोशिश की जा रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, तो बच्चों को परेशानी ना हो, जिसे देखते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।